इन प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा साहब। और जो लफ्जी जंग चल रही है सियासी बयानात की, उसमें दोनों तरफ से ये दावे आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि ना वफाकी हुकूमत गिराना चुटकी का काम है, सिर्फ एक मसला है उसमें। मसला ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब इजाजत दें। और ये बात किसने कही? ये बात कही चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने। आइए देखते। बस सदर जरदारी हमें इजाजत दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन बस सदर जरदारी हमें इजाजत दे। शुक्रिया जी। नाज़रीन, इजाजत का इंतजार है। फैसल वावडा साहब, आसिफ जरदारी साहब ने इजाजत दी तो आपकी हुकूमत चली जाएगी, कितना खतरा है आपको इस बयान से? बहुत शुक्रिया आसिफ जरदारी साहब। सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद दूंगा 18वीं तरमीम की, जो चर्चे चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जो पहले मुल्क मुल्क खेला गया था, मुल्क मुल्क लूटा गया था, अब सुबह सुबह लुट रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वाइब्रेंट मीडिया है और हमारे पास सोशल मीडिया है, जिसके तहत पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि किस तरीके से मुल्क को नोचा गया है और अब सूबों को नोचा जा रहा है। सबसे पहले दूसरा ये कि बचपन में मैं सुनता था सर गब्बर सिंह की कहानी, और रात को सुनाने से पहले बताया जाता था कि गब्बर सिंह आ जाएगा। आज कल जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मैं कहूँगा कि सर रात को बच्चों को सुनाने के लिए हमारा नया स्लोगन होगा कि अरशद शरीफ साहब प्रोग्राम कर देंगे। तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ जो आप सर्विसेज पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड करें, जिसमें हमारी पार्टी से लेकर सारी पार्टी की हुकूमत है। ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मत दें, ये आपको वापस लेने पड़ सकते हैं। नहीं, खैर जो है हक की बात वो हक की बात है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए जी, बिलावल साहब ने जो बयान दिया है, मैं आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि प्लीज़ जरदारी साहब उनको इजाज़त दे दें, और हम भी देखना चाहते हैं कि अल्लाह के अलावा हमें कौन गिरा सकता है। तो मैं तो बड़ा स्पेसिफिक अपनी जगह पर कॉन्फिडेंट हूँ। दूसरा, जो तड़ियां धमकियां हमें लगाई जा रही हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो उनके अंकल हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये केसेस बनाए थे और जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट किए सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमारा तो इसमें कोई किरदार है नहीं। हम अपने इदारों को खुद अपनी कैपेसिटी में काम करना देना चाहते हैं और उनके मामलात में नहीं बोलना चाहते। और जहाँ तक हमें जेल भेजने की बात करें बिलावल साहब, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई लॉ की डिग्री ले ली और वो शायद प्रमोट हो के चीफ जस्टिस साहब के रिटायरमेंट के बाद 17 तारीख को वो कहीं वोट ले रहे हैं बिलावल साहब के, वो कह रहे हैं हम जेल भी भेज देंगे अगर जरदारी साहब कहेंगे। तो हम हाजिर हैं जी, हम गिरने के लिए भी तैयार हैं और जेल जाने के भी तैयार हैं, लेकिन ऐसा दावा ना करें कि कल हमें फिर अपने भाई का मजाक नंबर्स गेम, क्योंकि आपकी तरफ से सबसे पहले आया था फॉरवर्ड ब्लॉक का, और फिर बाकी कुछ हुकूमती मुजरा ने भी कहा कि जी मुराद अली शाह साहब इस्तीफा दें। क्या आप लोग वाकई सीरियस हैं मुराद अली शाह साहब से इस्तीफा लेने के लिए? देखिये अर्शद शरीफ साहब, देखिये मैंने कहा था अगर कोई और भी अगर आया तो शाही होगा, ये भी मैंने कहा था, और मेरे लिए दोनों ही शाह के साथ मेरी वर्किंग रिलेशनशिप है, तो मुझे तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। की तरफ इशारा था सर, शाह तो शाह है ना सर, तो अब मैं क्यों फंसा दूं, मेरा दोस्त है। दूसरा सर ये कि जो बात आपने की नंबर गेम की फॉरवर्ड ब्लॉक की, मैं आप उस जगह पे कायम हूँ और 20 से 26 लोग हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक उन्हीं के अंदर से सिंध डिसाइड करेगा ऑपरेट कैसे करेगा सिंध। सर देखिए, ये सिंध की आवाम जो सब कुछ देख रही है, जिसके ऊपर रोटी कपड़ा और मकान के स्लोगन पे उनके 25 साल में उनका रोटी और कपड़ा मकान जिसने छीना है, वो मैं नहीं कह रहा, वो मेरी हुकूमत नहीं कह रही, वो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं कह रहे, वो वाइब्रेंट मीडिया और सोशल मीडिया दिखा रहा है, चीख चीख के दिखा रहा है कि ये आपके साथ हुआ है, मुर्दे पेमेंट्स कर देते हैं, लॉज बनते हैं किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को, ओमनी ग्रुप जैसे, उसको बेनिफिट करने के लिए हुकूमतें बनती हैं पॉलिसीज एक आदमी को पैसे वाला बनाने के लिए और बाकी को खून छोड़ने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौम देख रही है। और 18वीं तरमीम के बाद आप सूबे के अंदर जा नहीं सकते, दरवाजा आपका बंद है, जिसमें मैं शोर मचाता रहा हूं और मेरे अपनी एक पर्सनल राय है उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर कौम को मुबारकबाद भी दे रहा हूं। तीसरी चीज ये कि देखिए जो नंबर गेम है उसके अंदर उन्हीं के अंदर उबाल है, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसा नहीं कि पीपल्स पार्टी के सारे लोग बेईमान है या चोर है, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो साइडलाइन हुए हैं, उनके अंदर एक उबाल है, उनका कॉन्शियस है, उनकी गैरत है, जो उबाल रही है, जिन्होंने सिंध ने जिनको उनको वोट दिया है, वो अपना रोल प्ले करेंगे, उन्हीं में से कोई लीड करेगा। जैसे अभी शायद आने वाले दिनों में चौधरी निसार साहब पीएमएलएन की फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करें, तो हम फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, हम तो अल्लाह की मेहरबानी से हमें अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उसमें हम सब ताश के पत्तों की तरह महलों से गिरते हुए देख रहे हैं, और जो कांच के महल में रहते हैं वो दूसरों को पत्थर मार रहे हैं, वो पत्थर भी बाउंस बैक करके उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए मिनिस्टर साहब कोई रابطे होते हैं? किस लेवल के रابطे एस्टेब्लिश हैं आपके? देखिए सर, हम तो सियासतदान वो है सर मेरे नजर में जिसके पास सबर हो, खबर हो और नजर हो। हम तो मैं तो तीनों चीजें लेके चल रहा हूँ, सबर भी मेरे पास है, खबर भी मेरे पास है, नजर भी मेरे पास है। बाकी रابطे भी चाहिए होते हैं ना फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए, वो रابطे हुए इस खबर नजर
دیکھیں ارشد شہید صاحب, بہت ساری خوشخبریاں نئے سال کے تحت آ رہی ہیں اس ملک کے اندر. عمران خان صاحب کی قیادت میں پیٹرول ہم نے سستا کر دیا, اس کے پیرل بہت ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی. بہت سارے لوگوں نے جانا ہے اندر, بہت سارے لوگوں نے باہر آنا ہے, بہت سارے لوگوں نے حکومت کے اندر سے کھڑے ہونا ہے, انہوں نے اپنی پارٹی کو خود ریپرزینٹ کرنا ہے, کسی نے سندھ میں کرنا ہے, کسی نے پنجاب میں کرنا ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے. میں آپ کے توسط سے بلاول صاحب کو کہوں گا کہ پنجاب کے اندر ہم آنے والے مہینوں میں اتنے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اسٹرانگ ہونے والے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے حسن, یہاں پہ ایک وقت دیتے ہیں اور ایک ڈیسکون کمپنی کا کچھ ذکر آ رہا ہے مومند ڈیم کے حوالے سے. وفاقی وزیر برائے آبی وسائل ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اور چودھری نثار علی خان صاحب کا نام منسٹر صاحب نے لیا, کس حوالے سے لیا اور اس حوالے سے کیا مزید معلومات ہیں, ایک وقفے کے بعد.